जय माता दी, जय माँ का मख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, कामाख्या वरदे देवी, नीलपर्त वासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते, कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देवी अमसर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाति सप्तिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे पूजन अर्चन जो होते हैं हिंदुस्तान या सनातन धर्म के अनुसार, 80% व्यक्तियों को और द्विजवर ब्राह्मणों को भी मालूम नहीं है या है तो उसका प्रयोग नहीं करते कि पूजन अर्चन में गलतियां करते हैं और उसकी वजह से उनको तो दक्षिणा मिल जाती है, परंतु पूजन में गलती करने की वजह से चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है पूजा करने के लिए तो उनको भी श्राप मिल जाता है और वो वैसे के वैसे ही रहते अपनी जिंदगी भर और यजमान का तो काम हो ही जाता है। तो यजमान को भी चाहिए कि इस बात का ध्यान रखे और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि इस बात का ध्यान रखे कि पूजा में गलती नहीं हो और पूजा शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। किसी की भी आप पूजा करें, गौरी गणेश से लेकर के विसर्जन तक, आरती तक, बिल्कुल दिल से पूजा करो, आनंद के साथ पूजा करो और तन्मयता के साथ पूजा करो। तो कौन कौन सी गलतियां पूजा में हो सकती है, आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात, एक हाथ से कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। आरती हमेशा लेने का नियम है, दोनों हाथों से आरती ली जाती है। अब आरती कैसे लेना चाहिए इसका भी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जो आरती होती है उसके ऊपर दोनों हाथों से छत्र जैसा बनाया जाता है और थोड़ी गर्माहट जब महसूस होती है हमें तब उसको मुंह के ऊपर लगाया जाता है, सिर के ऊपर नहीं लगाते। तो बहुत से मनुष्य क्या करते हैं, सिर के ऊपर भी ले जाते हैं, वो गलत करते हैं। दोनों हाथों को गर्म करके रगड़ के फिर चेहरे पर लगाया जाता है जिससे तेज आता है। चेहरे पर जो ग्लोब आती है वो आरती लेने की वजह से आती है। जब दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं
तब घंटा बजाना चाहिए, जब वापिस आते हैं तब घंटा नहीं बजाना चाहिए। अब बहुत से मनुष्य भी ये गलतियां करते हैं कि जाते वक्त भी बजाते हैं और आते वक्त भी बजाते हैं, और उनके बच्चे लोग वो घंटा बजाते ही रहते हैं। तो मंदिर के अंदर जब प्रार्थना की जाती है तो घंटा बजा के उसी के नीचे खड़े होकर के प्रार्थना की जाती है, ताकि उस घंटे की नाद से आपके शरीर के अंदर सिर के माध्यम से जो कंपन्नता शरीर के अंदर जाती, पॉजिटिव वेव्स जाती है, उससे आपका शरीर निरोगी होता है। इसलिए घंटे के नीचे बजाने के बाद में खड़े रहना चाहिए, जब तक कि उसका पूरा ध्वनि का नाद समाप्त नहीं हो जाए। तो दर्शन करके वापिस आते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। और मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर के द्वार पर चप्पल जूते उल्टे नहीं रखने चाहिए। और तुलसी पत्र जो प्रसाद में कई बार हाथ में आ जाती है, तो तुलसी पत्र को कहते हैं कि चबाया नहीं जाता है, मुंह में दबा के रख लो और निकल जाओ। और तुलसी जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप बिना तुलसी जी के तो पूजा ही नहीं होती है, भोग ही नहीं लगता है। तो ये तुलसी जी का रख करके जो भोग लगाया जाता है, नानमणि श्रीहरि विष्णु जी को लगाया जाता है, रामचंद्र जी को लगाया जाता है, या फिर हनुमान जी को लगाया जाता है, या फिर पितरों को लगाया जाता है। भोलेनाथ के प्रसाद में तुलसी जी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और न पूजा में चढ़ती है। तो ये वाली गलती भी पंडित जी लोग करते हैं और कुछ यजमान लोग भी करते हैं। तो तुलसी जी देवी मां, दुर्गा मां, काली मां पर भी नहीं चढ़ाई जाती, ना उनके प्रसाद में भोग जो लगाते हैं उसमें नहीं डालते हैं। अब जिनको मालूम नहीं, वो तो पूरे प्रसाद में ही तुलसी जी डाल देता है, और वही ये भोग जो है सबके सामने रख देते हैं। तो ये गलती करते हैं, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी मंदिर में अवश्य होनी चाहिए, परंतु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी या विष्णु जी, ठाकुर जी, उनके सामने जो भोग रखा जाता है उसमें आपको तुलसी जी रखना है। बाकी शिव परिवार जी कह सकते हैं, गणेश जी भी हो गए उसमें, शिव जी हो गए, मां भगवती दुर्गा हो गई, पार्वती मां हो गई, गौरी गणेश हो गया, उनको तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है। तो ये ध्यान रखें, मंदिर में हर देवी देवता की एक एक मूर्ति होनी चाहिए बस, जो स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो सिर्फ एक एक ही होना चाहिए। दो दो से अधिक, कभी कभी तीन, ये नहीं होनी चाहिए। भगवान जी के हर मंदिर के सामने, यदि मंदिर कैंपस है, उसमें बहुत सारे मंदिर है, तो हर मंदिर के कैंपस में एक एक घंटा और शंख रखा हुआ होना चाहिए। दो शंख एक समान पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। आरती के पहले शंख अवश्य बजाना चाहिए, और आरती जब समाप्त होने लाली होती है उस समय भी शंख अवश्य बजाना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी को जब तिलक लगाया जाता है तो उसमें अक्षत नहीं लगाते हैं। अब पंडित जी लोग क्या करते हैं, जो तिलक लगाते हैं तो तिलक का मंत्र के साथ साथ वो अक्षत भी, अक्षतान समर्पयामी भी बोल देते हैं। तो अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। और शिवलिंग पर केतकी के पुष्प नहीं चढ़ते हैं, अन्यथा
कहते हैं शिव जी नाराज हो जाते, जो शक्ति रहती है वो नाराज हो जाती है। और देवी दुर्गा जी की पूजा जो मंदिरों में अक्सर होती रहती है, उसमें भी तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए, और दुर्वांकुर भी नहीं चढ़ता है। देवी जी को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। और पंडित जी लोग कांडा कांडा करके मंत्र बोल देते हैं और दुर्वा चढ़ा देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि देवी जी की पूजा होती है, यदि पंडित जी ने दुर्वांकुर वहां पे लख दिया तो उसमें ध्यान रखें कि वो कहां चढ़ाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं कि देवी मां को चढ़ाते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और भी ऐसी बहुत सारी गलतियां जो मनुष्य करता है, जो नहीं करना चाहिए था वो करता रहता है, इसलिए फिर कहता है कि मैं पूजा कर रहा हूं तो स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही, कोई दूसरा तो नहीं ले जा रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूं, मेरी पूजा भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो ये गलतियां आपसे होती है, इन गलतियों की वजह से आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। आप किसी पर इल्जाम मत लगाओ कि आपकी पूजा कोई चोरी कर रहा होगा, आपके शरीर में कोई प्रेत बैठा तो प्रेत ले जा रहा है, आपके घर में चौकी लगी है तो वो चौकी में लगी हुई शक्तियां जो है वो आपकी पूजा ले जा रही है, आपकी पूजा जाने ही नहीं दे रही है। ये बात बहुत सारी, ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हो और उसका दोष फिर तंत्र मंत्र काला जादू और तांत्रिक लोगों को पड़ जाता है। तो नहीं ज्ञान हो तो पूजा मत करो, ऐसे भगवान का नाम लेते रहो और पूजा देखो कैसे पूजा होती है, और शास्त्रों को पढ़ो तो उसमें पता लगेगा, शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि शिव जी को क्या क्या चढ़ता है क्या क्या नहीं चढ़ता है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तो पता लगेगा देवी को क्या क्या चीज चढ़ती है क्या नहीं चढ़ती है और कैसे पूजन अर्चन की जाती है। तो श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम असल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम असल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम असल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।